मीनवाइल अपनी पुस्तक माई सेकेंड इनिंग्स में एक्स लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर शांति भूषण लिखते हैं कि अगस्त 2010 में इन लोगों ने लोकपाल बिल का एक मसौदा बनाया। तो उस पहली मीटिंग में ही हमारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक तरीके से जन्म जैसा हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हम रैली निकाल देंगे और जो हम यहाँ पे 10-12 लोग हैं ये 20-20 गाड़ी अरेंज कर लेंगे और फिर करीब 2000 स्टूडेंट्स की रैली निकाल लेंगे। मैं सुनता रहा पर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता हूँ। मैंने उनसे कहा जब सारा डिस्कशन हो गया सबने हाँ कर दी। मैंने कहा सर जो यहाँ पर बैठे हैं ना 10-12 ये अपनी गाड़ी भी नहीं लेके आएंगे, आप कह रहे हो कि 20-20 गाड़ी और ले आएंगे, किसी न किसी बहाने से सब मुक्त हो जाएंगे। तो बोले बात तो आपकी मेरे को जम रही है, फिर क्या किया जाए? तो हमें पब्लिक मोबिलाइजेशन तो चाहिए। तो वहाँ पे एक सजेशन आया कि हमें रामदेव जी को संपर्क में लाना चाहिए, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है तो वो एक मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी को जम गई। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं रामदेव जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूँ पर मैं श्रीमती किरण बेदी को जानता हूँ और श्रीमती किरण बेदी रामदेव जी को जानती हैं। तो उस माध्यम से रामदेव जी को संपर्क में लाया गया और सबसे पहला काम हमने रैली का जो उस ग्रुप ने ये किया कि 14 नवंबर 2010 को पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के बाहर एक बहुत बड़ी सभा करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक CWG 2010 की शिकायत वो वहाँ थाने में सौंपी जानी थी और उसके लिए जितना भी पब्लिक की गैदरिंग का इंतजाम था वो श्री रामदेव जी के जिम्मे था और डॉक्यूमेंटेशन का काम श्री अरविंद केजरीवाल जी के टीम के जिम्मे था। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। क्या लगा उस वक्त कि देश बदलेगा या व्हाई डिड यू जंप इनटू दिस, हाउ डिड यू कनेक्ट टू दिस, कैसे आपने इसमें? उन दिनों में 2011 की बात हम कर रहे हैं जी। रोज अखबार पढ़ो जी तो सवाई करप्शन के और कोई न्यूज ही नहीं थी। एवरी डे एक के बाद एक और सबसे ज्यादा इफेक्ट की थी कॉमनवेल्थ गेम्स की करप्शन की एलिगेशंस, उसके बाद आदर्श सोसाइटी, उसके पास 2G। सो एक के बाद एक एवरी डे इट वाज ओनली अबाउट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। मेन चीज आई कि इवन FIR भी रजिस्टर नहीं हो रही थी। अगर आपको कंप्लेंट आ रही है तो कम से कम पुलिस उसकी कंप्लेंट तो ले ले, वो भी नहीं पुलिस ले रही थी। तो उस वक्त मेरी आत्मा ने आवाज दी और उस वक्त रिक्वेस्ट आई कि प्लीज आओ जोड़ो, पुलिस को आकर जाके कंप्लेंट देनी है, ये मेरा डोमेन है। मैंने कहा हाँ चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में जाके बोलते हैं और एक कंप्लेंट तो ले लो और अगर एलिगेशन FIR करप्शन के है आप रजिस्टर करो, आप इन्वेस्टिगेट करो। सो जब मैंने देखा कि वो उस पर भी रेजिस्टेंस है तो मैं उस ग्रुप में जुड़ी जिस ग्रुप में हम ज्वाइंट FIR दर्ज कराई पार्लियामेंट स्ट्रीट में। और मुझे याद है तब ACP आए और उन्होंने हमारे से FIR ली, लेकिन क्योंकि वो सरकार के खिलाफ साइन करने थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो करप्शन था वो सरकार की तरफ से हुआ था तो किसी ने भी साइन नहीं किए। अब अरविंद परेशान कि भाई क्या करें, तो अरविंद ने गूगल किया कि भाई स्पोर्ट्स में कौन एक्टिविस्ट है, तो उन्हें फिर हमारे क्लीन स्पोर्ट्स इंडिया के बारे में पता चला। फिर अरविंद का कॉल आया कि हमें आपके सिग्नेचर चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ, हम केस दायर कर रहे हैं PIL। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया सोचने में, मैंने कहा कहाँ आना है और कब साइन करना है। लोकपाल का जब ड्राफ्ट बन रहा था आंदोलन से जुड़े लोगों का एक लोकपाल का जब ड्राफ्ट बना तो हम लोगों की उस समय काफी मीटिंग्स होती रहती थी। ऐसे ही एक मीटिंग हुई थी मुझे याद पड़ता है जनवरी 2011 में, जिसमें महेश गिरी जी जो अभी ईस्ट दिल्ली से सांसद हैं उन्होंने कहा हमको इसका अपना कुछ नाम रखना चाहिए। ऐसी बात हो रही थी कि हमारे लोकपाल ड्राफ्ट का, क्योंकि लोकपाल तो सरकार भी बना रही थी ड्राफ्ट कर रही थी, तो हमारे लोकपाल का कुछ ऐसा ब्रांडिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नाम होना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने फिर सजेस्ट किया क्यों नहीं हम ये जनता का लोकपाल है तो इसका नाम जन लोकपाल रखा जाए, और वो सबको पसंद आया और वहाँ से ये जन लोकपाल नाम पड़ गया।